हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जगह ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस प्लेस इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। दिस प्लेस इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। इस लड़की से बता रहा है कि ये जगह ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। दिस प्लेस इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। इस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी बताया था, इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू दिस प्लेस। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू दिस प्लेस, यानी इस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू दिस प्लेस। मैं अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया करता था, तो अक्सर के लिए हम ऑफन का यूज़ करेंगे। आई ऑफन यूज टू कम हेयर विद माई फ्रेंड्स। आई ऑफन यूज टू कम हेयर विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया करता था। आई ऑफन यूज टू कम हेयर विद माई फ्रेंड्स। क्या कभी तुम्हें उन दिनों की याद आती है? पूछ रही है कि डू यू एवर मिस दोज डेज। डू यू एवर मिस दोज डेज, क्या तुम्हें कभी उन दिनों की याद आती है? डू यू एवर मिस दोज डेज, मुझे उन दिनों की बहुत याद आती है। जवाब में कह रहा है कि आई मिस दोज डेज अलॉट। आई मिस दोज डेज अलॉट, यानी मुझे उन दिनों की बहुत याद आती है। आई मिस दोज डेज अलॉट, काश वो दिन वापस आ सकें। इस तरीके से हम बोलते हैं ना क्या, तो इसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे आई विश के बाद। आई विश दोज डेज कुड कम बैक। आई विश दोज डेज कुड कम बैक, काश वो दिन वापस आ सकें। आई विश दोज डेज कुड कम बैक। क्या तुम यहाँ पहले कभी आई हो? तो अब ये इसी इस जगह के बारे में पूछ रहा है कि क्या तुम यहाँ पहले कभी आई हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर। Have you ever been here before? क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? तो जब भी आप किसी से पूछते हो किसी जगह के बारे में कि क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो, तो आप इसे इस तरीके से इंग्लिश में पूछ सकते हो Have you ever been here before? क्या तुम यहाँ पहले कभी आई हो? तो जवाब में कह रही है नहीं, ये यहाँ मेरा पहली बार है। No, it's my first time here. No, it's my first time here. नहीं, यहाँ ये मेरा पहली बार है। No, it's my first time here. बस एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट वंस आई वॉन्ट टू मीट हिम। जस्ट वंस आई वॉन्ट टू मीट हिम, यानी बस एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जस्ट वंस आई वॉन्ट टू मीट हिम, मुझे उसे बहुत कुछ बताना है, यानी मेरे पास बहुत कुछ है उसे बताने के लिए। आई हैव गॉट अ लॉट टू टेल हिम। आई हैव गॉट अ लॉट टू टेल हिम, यानी मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। आई हैव गॉट अ लॉट टू टेल हिम। मैं जानती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद हिम। आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद हिम, मैं जानती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है। जान पहचान के लिए इसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एक्वेंटेड का। आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद हिम, मैं जानता हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? तो मिलवाने के लिए हम इसे इस तरीके से बोलेंगे इंग्लिश में कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम। कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम, क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, मिलवा सकते हो। कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हिम। मैं इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। मैंने पहले बताया था वंस एंड फॉर ऑल का यूज़ करते हैं हम हमेशा के लिए। जब भी मैं बोल रहा हूँ हमेशा के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, मैं हमेशा के लिए इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ। उसने भावुक स्पीच दी, तो भावुक के लिए हम यूज़ करेंगे गशिंग का। गशिंग मतलब भावुक। कह रहा है कि उसने भावुक स्पीच दी। स्पीच देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीवर्ड। कह रहा है कि ही डिलीवर्ड अ गशिंग स्पीच। ही डिलीवर्ड अ गशिंग स्पीच, यानी उसने भावुक स्पीच दी। ही डिलीवर्ड अ गशिंग स्पीच। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। तुम आने के लिए राजी हो गए थे, अब पीछे नहीं हट सकते। तो पीछे हटने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं बैक आउट। बैक आउट मतलब पीछे हटना। तो कह रहा है कि यू एग्रीड टू कम, यानी तुम आने के लिए राजी हो गए थे। यू एग्रीड टू कम। यू कांट बैक आउट नाउ। यू कांट बैक आउट नाउ, यानी अब तुम पीछे नहीं हट सकते। यू एग्रीड टू कम। यू कांट बैक आउट नाउ। अगर तुम साथ नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इफ़ यू डोंट कम अलोंग आई वॉन्ट गो ईदर।
इफ यू डोंट कम अलोंग आई वॉन्ट गो इधर, यानी अगर तुम साथ नहीं आते या तुम साथ नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा. इफ यू डोंट कम अलोंग आई वॉन्ट गो इधर. 2400 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा. अब इसे ध्यान से समझना, मैंने पहले बताया था 2400 घंटे के लिए. अब से पहले एक वीडियो में मैंने समझाया था, जब भी हम बोल रहे हो 2400 घंटे मतलब कि पूरा दिन और पूरी रात, इसके लिए हम यूज़ करते हैं राउंड द क्लॉक. राउंड द क्लॉक, इन तीन वर्ड को याद रखना, राउंड द क्लॉक. इसका मतलब होता है 2400 घंटे या पूरा दिन या पूरी रात. तो यहाँ पर ये कह रही कि वर्किंग राउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प. वर्किंग राउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प, यानी 2400 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा. वर्किंग राउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प, 2400 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा. चलो कहीं चलकर मजे करते हैं. लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन. लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन, चलो कहीं चलकर मजे करते हैं. लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन. मैंने आज काम से छुट्टी ली है. आई टुक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क टुडे. I took the day off from work today. यानी मैंने आज काम से छुट्टी ली. I took the day off from work today. तुम्हारा मूड आज सही है, कह रही कि यू आर इन अ गुड मूड टूडे. यू आर इन अ गुड मूड टूडे, यानी तुम्हारा जो मूड है वो सही है आज. यू आर इन अ गुड मूड टूडे. क्या कुछ अच्छा हुआ है? Did something nice happen? Did something nice happen? क्या कुछ अच्छा हुआ है? Did something nice हैपन. मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ. तो इसके फादर अचानक से आ जाते हैं, एकली बैठी थी, तो कह रही है कि आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर. आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर, यानी मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ. आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर. मुझे लगा था तुम काम पर होंगे डैड. आई थॉट यू वुड बी एट वर्क डैड. आई थॉट यू वुड बी एट वर्क डैड, कह रही कि डैड मुझे लगा था तुम काम पर होंगे. आई थॉट यू वुड बी एट वर्क डैड. हाँ मुझे पता है, मुझे आज काम पर होना चाहिए था. तो अपनी लड़की की बात सुन के कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, मुझे आज काम पर होना चाहिए था. इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, या आई नो आई वॉज सपोज्ड टू बी एट वर्क टूडे. या आई नो आई वॉज सपोज्ड टू बी एट वर्क टूडे. हाँ मैं जानता हूँ, मुझे आज काम पर होना चाहिए था. या आई नो आई वॉज सपोज्ड टू बी एट वर्क टूडे. मेरे सर में दर्द था इसलिए मैंने आज की छुट्टी ले ली. आई हैड अ हेडेक सो आई टुक द डे ऑफ टूडे. I had a headache, so I took the day off today. मेरे सर में दर्द था इसलिए मैंने आज की छुट्टी ले ली. I had a headache, so I took the day off today. अपना कोट ले लो, आज बहुत ठंड है. तो कहीं जा रहे हैं तो किसी से कह रहा है कि अपना कोट भी ले लो, आज बहुत ठंड है. Take your coat, it's very cold today. Take your coat, it's very cold today. यानी अपना कोट ले लो, आज बहुत ठंड है. Take your coat, it's very cold टुडे. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. और हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने प्रैक्टिस के लिए लास्ट के जो 5 से 6 सेंटेंस हैं वो अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं, ताकि जो हमने पहले पढ़ा है उन्हें भी हम ना भूलें और प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे. क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता, ना बोल सकता. सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी. सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.